الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. उसी फैलम के प्यारे नाजरीन, इंसान रात को प्यास बुझाने के लिए या आँख खुल जाने की वजह से उठ जाता है। किसी न किसी वजह से या किसी न किसी बहाने से उठना तो लाजमी पड़ता है। किसी न किसी वजह से आँख खुल जाती है। उस वक़्त अगर ये दुआ पढ़ ले तो इंशाल्लाह सारे दुखों और सारे गमों का मदावा हो सकता है, क्योंकि वो कबूलियत का वक़्त होता है। मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आपको बताना चाहती हूँ। हदीस शरीफ का मफहूम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर रात को आँख खुल जाए तो ये दुआ पढ़ लो, जो भी दुआ मांगोगे कबूल होगी। आज आपको इस दुआ की फजलत और बरकत बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वजीफ़े आलम सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल वजीफ़े आलम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन पर भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे। अक्सर सब बहन भाई किसी न किसी वजह से परेशान रहते हैं। दुनिया में हर अमीर गरीब, नेक और बद, कुदरत के कानून के तहत दुखों और गमों परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में ज़रूर वास्ता पड़ता है। ये दुनिया गमों, मुसीबतों और परेशानियों का घर है। हर कोई किसी न किसी तरीके से परेशान है। तो ऐसे तमाम गमों से अगर आप निजात चाहते हैं कि जब आप किसी मुसीबत और परेशानी गम में मुब्तला हो जाए, तो आपको चाहिए कि कसरत के साथ अस्तगफार और तौबा करें, यानी फौरन अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए परवरदिगार आलम से मगफिरत तलब करें और सिदकी दिल से तौबा करें, गुनाहों को छोड़ने का अहद करें, क्योंकि इंसान पर पड़ने वाले अक्सर मसाइब और आलाम उसके अमाल का नतीजा होता है, जिसकी कुरान पाक ने भी तायीद की है कि तुम तक जो मुसीबतें पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। सामीन किराम, जो गुनाह हुए इस रमज़ान मुबारक में, उनकी माफ़ी मांगे, अपने दुखों को अपने अल्लाह ताला के हुजूर पेश करे, वो बहुत बड़ा गफूर और रहीम है। आपके माफ़ी मांगते ही वो आपके सारे गमों और दुखों और परेशानियों को भी ख़त्म कर देगा और साथ साथ गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। मुआज़िज़ नाज़रीन, आपकी जब रात को आँख खुल जाए तो इस दुआ का एहतमाम करें। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु हुवा अला कुल्ली शेइन क़दीर। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम रब्बि ग़फ़िरली। फिर इसके बाद जो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगोगे, इंशाअल्लाह वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हर वक्त बंदे को अपनी रहमत देने के लिए बहाने तलाश कर रही होती है। फिर बंदे को भी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की जानिब मुतवज्जे हो, उसको अपनी हर परेशानी और दुखे सुनाए, अल्लाह पाक से दुआ मांगा करे, उसकी रहमत से मायूस मत हो जाया करे, और हर अमल और दुआ करते वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कामिल यकीन रखे। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آخر میں ہماری آپ سے وہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی اس سے ضرور شیئر کرے اور ہمارے چینل وظیفہ عالم کو بھی ضرور سبسکرائب کرے اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ویڈیوز کو لائک بھی کرے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا حفظ و امان میں رکھے. اللہ آمین. اللہ حافظ.